हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिवारी एकेडमी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जान लेंगे क्लास सिक्स के साइंस का 9th चैप्टर सजीव और उसकी विशेषताएं और आवास के बारे में, और साथ ही जान लेंगे इस चैप्टर से जुड़े क्वेश्चंस और आंसर्स के बारे में। तो चलिए आज का ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा आप सभी देख पा रहे हो, इस चैप्टर का हेडिंग है सजीव विशेषताएं और आवास। तो फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हम ये बात जान लेते हैं कि आखिर इस चैप्टर्स में हमें कौन सी बातें बताई गई हैं। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर्स में आपको सजीव, उनकी क्या विशेषताएं होती है, किसी सजीव की क्या विशेषताएं होती है उनसे अलग होने की किसी निर्जीव के साथ, यानी सजीव को आप कैसे रिकॉग्नाइज कर पाओगे, कैसे पहचान पाओगे, उसकी क्या विशेषताएं होती है, क्या होता है अनुकूलन, इसके बारे में भी आपको इस चैप्टर में काफी अच्छे से समझाया गया है। जिस प्रकार आप जानते हो कि विभिन्न तरह के जो सजीव होते हैं, जो प्राणी होते हैं, जो जीवधारी होते हैं, वो विभिन्न प्रकार के एनवायरमेंट या वातावरण में रहते हैं, वो भी अपने हिसाब से, ठीक है ना। जिस तरह आप जानते हो ऊंट जो है वो रेगिस्तान वाले जगहों पर रहते हैं, उसी प्रकार मछली जो है वो पानी में रहती है। तो यह किस प्रकार से हो पाया है कि वो उसी स्थान में एडजस्ट कर लिए हैं खुद को, तो इसके ही बारे में आज का चैप्टर है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग जान लेते हैं इस चैप्टर्स के हेडिंग्स में जो बातें आपको बताई गई हैं। जैसा आप सभी देख पा रहे हैं, सजीव विशेषताएं एवं आवास। तो फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आखिर इस सजीव शब्द का क्या मतलब है। सजीव मतलब होता है जो जीवित है, जिनमें जान है, उन्हें हम कहते हैं सजीव। याद रखनी है आपको, जिनमें जान है, जो जीवित होते हैं, उन्हें हम लोग कह रहे हैं सजीव, ठीक है। अब है कि ये विशेषताएं क्या होती है। विशेषता एक निर्दिष्ट एक गुण होता है, ठीक है ना, जो किसी सजीव को आसपास के एनवायरमेंट में, जो भी आसपास में, जो भी वातावरण में मौजूद है, उनसे वो अलग करती है। एक स्पेशल फीचर्स है, कुछ निर्दिष्ट जो है वो गुण होते हैं, क्वालिटीज होती हैं, विशेषताएं। अब है कि ये सजीव की विशेषताएं कहने से आप क्या समझते हो। तो फ्रेंड्स, सजीव की विशेषताएं कहने का मतलब, सजीव जैसा मैंने कहा जो जीवित है, ठीक है ना, तो जीवन के गुण, ठीक है ना, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ, जीवन के कुछ गुण होते हैं सजीव के, ठीक है ना, उसी विशेषताओं के बारे में आपको इस चैप्टर में बताई गई हैं। तो वो क्या है, चलिए जानते हैं। वो है वृद्धि करना, विकास करना, श्वसन करना, उद्दीपन करना, गति करना, प्रचलन करना, ये सभी सजीवों की विशेषताएं होती हैं, और यही विशेषताएं उन्हें किसी भी सजीव को निर्जीव वस्तुओं से अलग करती है। इसे आपको समझाया गया है इस चैप्टर में काफी अच्छी तरह से। अब हमें जानना है कि आखिर इस आवास शब्द का क्या मतलब होता है। तो फ्रेंड्स, आवास मतलब वह स्थान है जहां कोई जीवधारी रहते हैं, वह होता है आवास। अब आवास को आप और भी अगर अच्छे से समझें तो प्राकृतिक रूप से तैयार किए गए वह स्थान जहां पर कोई भी जीवधारी रहते हैं, निवास करते हैं, ठीक है ना, वह स्थान कहलाता है आवास। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग जान लेते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सजीव एवं उनका परिवेश। तो फ्रेंड्स, जैसा आप सभी देख पा रहे हैं, सजीव और उनका परिवेश, इसमें कौन सी बातें बताई गई हैं, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हो सजीव जो जिनमें जान होती है, जो जीवित होते हैं, वो कहला रहे हैं सजीव। तो कौन होते हैं ये सजीव, जैसे ह्यूमन बींग्स, जैसे मनुष्य जो है वो सजीव होते हैं, पेड़ पौधे उन्हें हम सजीव कहते हैं, कोई भी जानवर होते हैं ना, सभी जानवर जो है वो सभी सजीव हैं। साथ में आपको जान लेना है बैक्टीरिया जो है वो भी सजीव, युग्लिना, ये सजीव भी सजीव ही कहलाते हैं, इसे भी आपको समझना है, ठीक है ना। तो सभी सजीवों का अपना एक परिवेश होता है, उनका एक वास स्थान होता है, रहने वाली जगह होती है। वो क्या होती है, जैसे आप सभी जानते हो जो मछली है वो पानी में रहते हैं, ठीक है ना, वो उनका वास स्थान होता है, वह उनका परिवेश है। ऊंट आप सभी जानते हो वो रेगिस्तान में ही
रहते हैं, ठीक है ना। साथ में आपको जान लेना, जो लायन होते हैं, जो शेर होते हैं, जो बाघ होते हैं, वो जंगलों में ही रहते हैं, वो उनका वास स्थान होता है। अब आपको जान लेना है कि आखिर ये कैसे संभव हो पाया है कि कोई भी प्राणी जैसे ऊंट, वो किस तरह से मरुस्थल में वो पूरी तरह से खुद को फिट कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा आप सभी देख पा रहे हैं, हमारा जो अगला टॉपिक है वो है आवास और अनुकूलन के बारे में। तो फ्रेंड्स, चलिए जान लेते हैं क्या होती है ये आवास और क्या होता है अनुकूलन। तो फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया, आवास वह स्थान है जहां पर कोई भी जीवधारी रहते हैं, वास स्थान होते हैं वह जीवधारी के, उसे ही हम लोग कह रहे हैं आवास, ठीक है ना। यह प्राकृतिक रूप से बनाए जाते हैं, यह प्राकृतिक रूप से होते हैं। जैसे आप जू को यानी चिड़ियाघर को क्या आप आवास स्थान कहोगे किसी भी प्राणी का? तो इसका उत्तर होगा नहीं। चिड़ियाघर वो प्राकृतिक वास स्थान या प्राकृतिक आवास नहीं है, वह कृत्रिम है, वह मनुष्यों द्वारा बनाया गया है, ठीक है ना। गुफा, पेड़ पौधे, वन जंगल, ये सभी प्राकृतिक आवास वाले स्थान होते हैं जहां पर जीवधारी रहते हैं। अब है हमें समझना कि अनुकूलन आखिर क्या होता है। तो फ्रेंड्स, अनुकूलन वह प्रक्रिया है जिसमें जीवधारी, या फिर आप बोल सकते हैं जिसमें पेड़ और पौधे किसी ऐसे वातावरण में रहते हैं, ठीक है ना, जहां पर वो खुद को अपने वातावरण के साथ सूट कर लेते हैं, फिट कर लेते हैं, या फिर एडजस्ट हो जाते हैं, उसी वातावरण में खुद को वो ढाल लेते हैं। वह प्रक्रिया अनुकूलन कहलाती है, ठीक है ना। ये अनुकूलन होता क्या है, इसे अगर हम समझें, जैसा आप सभी जानते हो, जो रेगिस्तान में रहते हैं ऊंट, किस प्रकार से रेगिस्तान में ऊंट रह पाते हैं, दूसरे किसी तरह के जानवर जो हैं वो नहीं रह पाते हैं। रेगिस्तान में जो ऊंट के रहने का जो प्रक्रिया है, जो यह पूरी तरह से अनुकूलन कहलाता है। खुद को वह जो है ऊंट, वह खुद को इस तरह से ढाल लिया है कि वह अब आसानी से रेगिस्तान में रह पाता है, सर्वाइव कर पाता है, जीवित है। जैसे आप सभी जानते हो कि ऊंट जो होते हैं, उनके पैर जो हैं काफी लंबे होते हैं, ठीक है ना, और उनके जो खुर होते हैं वो काफी नरम होते हैं। वो ऊंट काफी कम मात्रा में पानी भी पीता है, और उत्सर्जन की प्रक्रिया भी काफी कम परिमाण में ही हो पाती है। यानी आप सभी जानते हो, जो मरुस्थल में जो पानी होती है वो काफी कम पाया जाता है। तो ऐसे ही प्राणी जैसे ऊंट, जिसके बारे में मैंने कहा, तो वो जैसे अपनी विशेषताओं को दर्शा रहा है, अपनी शारीरिक विशेषताओं को, तो वह सिर्फ वहीं पर वो रह सकता है। यानी अनुकूलन वह प्रक्रिया है जिसमें जो पौधे होते हैं या फिर जानवर होते हैं किसी ऐसे वातावरण में खुद को ढाल लेते हैं, वह प्रक्रिया ही अनुकूलन कहलाती है, ठीक है ना। यह प्रक्रिया एक दिन में संभव नहीं है। ऐसा करने से, ऐसा जो हुआ है, ठीक है ना, जो ऊंट जो मरुस्थल में जो रह रहे हैं, इसमें काफी साल लग गए हैं, हजारों साल लग गए हैं, लाखों साल लग गए हैं, तभी ऊंट जो है उस स्थान को ग्रहण करने योग्य उनका शरीर बन पाया है। इसे आपको समझनी है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, जैसा आप इन पिक्चर्स में भी देख पा रहे हो, ऊंट के लंबे जो हैं वो गर्दन है, ठीक है ना। लंबे गर्दन के कारण वो क्या करती है, आसानी से जो भी पेड़ पौधे हैं उनके पत्तियों को वो आसानी से खा पाती है। यह भी अनुकूलन का ही प्रमाण है, या फिर उदाहरण है। उनके पैर लंबे होते हैं तो जो मरुस्थल की जो ऊष्मा है, जो हीट है, वह उनके शरीर तक नहीं पहुंच पाती है। नरम खुर होते हैं, ठीक है ना, जिनके कारण से क्या होता है, वो जो ऊष्मा है उनके बॉडी पर संचारित नहीं हो पाती है। उनके कूबड़ जो है, आप देख पा रहे हो, ऊंट में कूबड़ पाया जाता है, वो कूबड़ में वसा संचित होती है जो उन्हें एनर्जी भी प्रोवाइड करती है। यह बात भी आपको जान लेनी है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि आखिर इस अनुकूलन शब्द का क्या मतलब होता है। जैसा मैंने आपको कुछ देर पहले कहा कि अनुकूलन वह प्रक्रिया है जिसमें पेड़ पौधे या फिर जीवधारी और जंतु खुद को एक ऐसे वातावरण में ढाल लेते हैं जिसमें वह रह पाए,
ठीक है ना, अब वहां पर वो आसानी से रह पाते हैं, वह प्रक्रिया ही अनुकूलन कहलाती है। लेकिन यह प्रक्रिया किसी एक साल में, 2 साल में नहीं बन पाती है, इसे होने के लिए हजारों साल, लाखों साल लग जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा आप सभी देख पा रहे हैं, अनुकूलन किसे कहते हैं? जिन विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने के योग्य बनाती है, अनुकूलन कहलाती है। विभिन्न जंतु का विभिन्न परिवेश होता है। जैसा मैंने आपको कहा कि जो मछलियां हैं वो पानी में रहती है, ऊंट जो है वो रेगिस्तान में रहते हैं। विभिन्न जानवरों का विभिन्न तरह से रहने वाला परिवेश होता है, अनुकूलन अलग-अलग होता है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग जान लेते हैं इस आवास शब्द का क्या मतलब होता है। जैसा मैंने आपको कुछ देर पहले कहा कि किसी सजीव का वह स्थान जिसमें वह रहता है उसका आवास कहलाता है। यह आवास प्राकृतिक रूप से बनाए जाते हैं, ठीक है ना, जो प्राकृतिक बनाता है, जैसे गुफा है, जैसे वन है, जंगल है, पर्वत है, पठार है, उन सभी पर जो जानवर रहते हैं वही उसका वास स्थान होता है, वही उसका आवास होता है। लेकिन चिड़ियाघर किसी भी जीवधारी का वास स्थान नहीं हो सकता है, ठीक है ना, वह प्राकृतिक आवास नहीं है, इसे भी आपको समझना है। फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग जान लेते हैं एक और शब्द के बारे में, वह है स्थलीय आवास, ठीक है ना, और क्या होते हैं जलीय आवास। तो फ्रेंड्स, स्थलीय शब्द का संबंध जो है स्थल से होता है, मिट्टी से होता है, इसे आपको पहले समझना है, ठीक है ना। मिट्टी से संबंधित, धरातल से संबंधित शब्द स्थल कहलाती है। आवास, जैसा मैंने कहा, प्राकृतिक रूप से रहने वाले आवास और क्षेत्र जो है वो कहलाते हैं आवास, यानी ऐसे जंतु या फिर ऐसे पेड़ पौधे जो मिट्टी या फिर धरातल में रहते हैं, ठीक है ना, स्थल और जमीन पर रहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं स्थलीय आवास। बहुत सारे ऐसे जगह हैं जिसे हम स्थलीय आवास कहते हैं, वह है वन, घास के मैदान, मरुस्थल, तटीय एवं पर्वतीय क्षेत्र, ये सभी स्थलीय आवास के ही उदाहरण है, ठीक है ना, स्थल में रहने वाला जो वास स्थान होता है, ठीक है ना। अब हमें जान लेना है कि ये जलीय आवास क्या होता है। जल शब्द का जो संबंधित है, आप सभी जान रहे हो, जल से है, पानी से है। ऐसे समुद्री क्षेत्र, ऐसे जलीय क्षेत्र जहां पर पेड़ पौधे भी रहते हैं और जहां पर जानवर भी पाए जाते हैं, ठीक है ना, तो ऐसे वास स्थान को हम लोग कह रहे हैं जलीय आवास। तो जलीय आवास का उदाहरण क्या होगा? तो जैसे आप सभी जानते हैं, जितने भी जल के स्रोत हैं, ठीक है ना, वो सभी जलीय आवास वाले ही क्षेत्र हैं। तालाब, पोखर, ठीक है ना, नदियां, समुद्र, ये सभी जलीय आवास वाले ही क्षेत्र है। उन सभी जगहों पर पौधे भी पाए जाते हैं, उन सभी जगहों पर जानवर भी, जीवधारी भी मौजूद होते हैं, तो यह उनका निवास स्थान होता है प्राकृतिक रूप से। समझना है आपको, स्थलीय आवास भी प्राकृतिक है और जलीय आवास भी प्राकृतिक है, कृत्रिम रूप से यह मनुष्यों के द्वारा बनाया गया नहीं है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग जान लेते हैं जैव घटक और अजैव घटक के बारे में। जैसा आप सभी देख पा रहे हैं पिक्चर्स में भी, क्या होते हैं ये जैव घटक और क्या होते हैं ये अजैव घटक। तो फ्रेंड्स, जैसा आप सभी जानते हो, हम जो रह रहे हैं ना अपने वातावरण में, हम जो ह्यूमन बींग्स रह रहे हैं, हम जितने भी सजीव और निर्जीव जो रह रहे हैं ना अपने आसपास में, अपने वातावरण में, अपने निवास स्थान में, तो हम सभी एक तंत्र के अंतर्गत है, हम एक सिस्टम के अंतर्गत है। उस सिस्टम का नाम है इकोसिस्टम्स, हिंदी में कहें तो वह पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है, ठीक है ना। जितने भी सारे उनमें सजीव हैं, जो भी उनमें निर्जीव हैं, वो सभी एक दूसरे से संबंधित हैं, वो सभी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, इसे भी आपको समझना है, वो सभी एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है। जैसे आप सभी एग्जाम्पल्स के लिए आप समझो, जैसे जो प्लांट्स होते हैं, जो जिनमें जो सजीव होते हैं, ठीक है ना, प्लांट्स तो जीवन होता है उनमें, जैसे मैंने कहा सजीव के रूप में हम कह रहे हैं प्लांट्स को, पौधों को, तो उन्हें बढ़ने के लिए, उनमें अगर वृद्धि करना है, उनमें अगर विकास होना है प्लांट्स में, तो क्या चाहिए? मिट्टी चाहिए, ठीक है ना, लेकिन मिट्टी जो है वो निर्जीव है ना। जल चाहिए, जल भी निर्जीव है, याद रखना है आपको। तो
तो क्या विदाउट मिट्टी से, मिट्टी के बिना, पानी के बिना क्या प्लांट्स बढ़ पाएंगे? नहीं। अगर प्लांट्स नहीं बढ़ेंगे तो क्या हम खाद्य पदार्थ के रूप में हम क्या ग्रहण करेंगे? आप लोगों ने तो फर्स्ट के चैप्टर्स में भी पढ़ा कि खाद्य पदार्थ के रूप में हम क्या ग्रहण करते हैं, ठीक है ना? आपने जाना। तो अगर पौधे नहीं रहेंगे तो हम भी कुछ ग्रहण नहीं कर पाएंगे एज अ भोज्य पदार्थ के रूप में, ठीक है ना? तो हम, हमारा तो अस्तित्व नहीं बचेगा। तो आप देख पा रहे हो किस तरह से रिलेशन है मिट्टी के साथ, जल के साथ पौधों का, और पौधों के साथ मनुष्य का, जीवधारियों का, ठीक है ना? और जीवधारी जो भी बाघ होते हैं, जो भी एनिमल्स होते हैं, ठीक है ना, वो सभी मरने के बाद जब वो डेड पोजीशंस में हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो उनका भी विघटन होता है। और विघटन होने में जो बैक्टीरिया होते हैं, जो वायरस होते हैं, जो बहुत ही सूक्ष्म जो जीवधारी होते हैं, वो अब सहायता करते हैं उनके शरीर के विघटन के लिए। ये पूरा संपूर्ण जो पानी हो या फिर वन हो, जंगल हो, हम मनुष्य हैं, पेड़ पौधे हो, मिट्टी हो, सूर्य का प्रकाश हो, वो सभी एक तंत्र, एक सिस्टम से बंधे हुए हैं। इस सिस्टम्स में किसी भी एक भी अवयव और कंपोनेंट अगर सही रूप से, सुचारू रूप से अगर नहीं चले तो फिर मुश्किल हो जाएगा हमारे इस ह्यूमन बींग्स, हमारा जो मनुष्य जाति है उस पर संकट आ सकती है। इसे आपको समझना है। इस पूरे तंत्र को हम लोग कह रहे हैं इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र, ठीक है ना? अब वहीं से वो दो शब्द लिया गया है, जैव घटक और अजैव घटक। क्या होते हैं जैव घटक और क्या होते हैं अजैव घटक, चलिए समझते हैं। जैव शब्द का संबंध होता है जीवन से, ठीक है ना, और अजैव शब्द का मतलब होता है जिसमें जीवन नहीं है। तो और घटक शब्द का क्या अर्थ होता है? घटक मतलब होते हैं अवयव, ठीक है ना, जीवन से संबंधित अवयव। वो क्या होते हैं, इसे आपको समझना है। तो जीवन से संबंधित अवयव होते हैं पेड़ पौधे, जंतु, इसे हम लोग कह रहे हैं जैव घटक। किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जैसे पौधे और जंतु उसके जैव घटक हैं, याद करना है आपको, ठीक है ना? ये जैव घटक होते हैं। जैव वर्ड का मतलब होता है जीवन से संबंधित, ठीक है। अजैव घटक हुआ कि जो जिसमें जीवन नहीं है, जो जीवित नहीं है, वो हुआ अजैव। और घटक जैसा मैंने आपको कहा, तो ऐसे ऐसे तत्व होते हैं जिसमें जीवन नहीं है, ठीक है ना? जैसे एग्जाम्पल्स उदाहरण के रूप में कहें, चट्टान है, मिट्टी है, वायु है, जल है, इन सभी को हम लोग कह रहे हैं अजैव घटक। लेकिन आपको याद रखना है विशेष रूप से इन दोनों का रिलेशन है। मैंने आपको कहा पारिस्थितिक तंत्र में भी बताया, और आगे के ऊंचे के क्लास में, हायर क्लास में आप जानोगी काफी अच्छी तरह से कि इकोसिस्टम्स क्या होता है, ठीक है ना, पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है, कैसे इनके बीच में एक रिलेशन है, कैसे संबंध वो रखते हैं, ठीक है ना, इसे आपको समझना है। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि अंकुरित शब्द का आखिर क्या मतलब होता है। तो फ्रेंड्स जैसा आप सभी जानते हो अंकुरण के बारे में, किसी निश्चित अवधि और समय के पश्चात जब बीज, जो बीज होते हैं, जो सीड्स होते हैं, वो विकास करना शुरू करते हैं, ठीक है, उस अवस्था को हम लोग कहते हैं अंकुरण। ध्यान से आपको समझना है, और इस बात को मैंने आपको चैप्टर वन में भी बताया था, चैप्टर टू में भी बताया था, ठीक है ना? एक निश्चित समय होता है बीजों का अंकुरण होने में, ठीक है, यानी विकास होने में। एक निश्चित अवधि के बाद जब बीज बढ़ने लगते हैं, उनमें विकास होना शुरू हो ही होता है, उस अवस्था को हम लोग कहते हैं अंकुरण। बीजों में से एक व्हाइट कलर का, पतला कलर का, एक आप देखोगे एक संरचनाएं, एक सफेद संरचना निकलती हैं, ठीक है ना, उसे हम लोग कह रहे हैं अंकुरण। तो फ्रेंड्स इस प्रकार आपने जाना कि छोटे से छोटे बीज में भी अगर उसे विकास करना है तो अजैव घटक की कितनी आवश्यकताएं होती है। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम लोग संक्षेप में जानने की कोशिश करते हैं कुछ स्थलीय आवास के बारे में। क्या होते हैं स्थलीय आवास, मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कौन सा वो जगह है जिसे हम लोग स्थलीय आवास कह सकते हैं। उनमें से एक नाम है मरुस्थल, ठीक है ना? मरुस्थल वो जगह है जहां पर, वो जो जगह है वो मृत होती है, जहां पर मिट्टी जो है वो नहीं पाई जाती है, वह स्थान जो होता है वो अनुपजाऊ होता है।
इसे आपको समझना है, जहां बालू और पत्थर ही पाए जाते हैं वह स्थल कहलाता है मरुस्थल, जहां पर वर्षा भी काफी कम पाई जाती है और जहां जीवन यापन करना काफी असंभव होता है। वह जो स्थान है अनुकूलन के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे बहुत सारे जगह हैं जैसे रेगिस्तान मरुस्थल जो है, वहां पर ऊंट जो है आसानी से रह पा रहे हैं, यह अनुकूलन से ही संभव हो पाया है। जैसा आप सभी जानते हो ऊंट जो है उसके बारे में कुछ देर पहले मैंने कहा, ठीक है ना, ऊंट के अनुकूलन के बारे में, जैसा उसके पैर लंबे होते हैं, ठीक है ना, उनके पैरों में जो खुर होते हैं काफी नरम होते हैं और जो उष्मा होती है उनके शरीर तक नहीं पहुंच पाती है, काफी आसानी से वो रह पाते हैं, ठीक है ना। बहुत और ऊंट जो है वो दिन में निकलते हैं, बहुत ही कम पानी भी पीते हैं और उत्सर्जी की क्रिया जो है वो भी बहुत कम मात्रा में होती है, और उनके लंबे गर्दन होते हैं, लंबे लंबे पत्तियों को तोड़कर वो खाते हैं अगर कहीं पर पेड़ दिखाई देते हैं। रेगिस्तान में आप सभी को पता है जो रेगिस्तान में जो भी पौधे होते हैं ना, वो पौधे का एक विशेष संरचनाएं होती है, जैसे नागफनी का पौधा जो है उसमें कांटे नुमा जो है पौधे वहां पर ज्यादा पाए जाते हैं। आपको समझना है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। आप सभी जानते हैं जो नागफनी का पौधा है या फिर ऐसे क्षेत्र मरुस्थली पौधे जो कांटे नुमा होने का कारण है कि उनके जो पत्ते होते हैं, ठीक है ना, उनके पत्ते कांटे का रूप ले लेते हैं और उनके तने का जो काम है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करना होता है, वो तना उसका खाना बनाता है और पत्ते जो है वो कांटानुमा हो जाता है, क्योंकि वहां पर पानी तो नहीं है ना, और पानी ना होने के कारण उनकी जो जड़ें हैं काफी नीचे तक जाती है। ऐसे आपको समझना है, ऐसे कटीले पौधे की जड़ें काफी नीचे तक होती हैं, ठीक है ना, पानी को प्राप्त करने के लिए ऐसा होता है, और पानी उनके बॉडी से उनके शरीर से ना निकले इसलिए उनके पत्तों का आकार जो है वो कांटे जैसा हो जाता है, ठीक है ना, ताकि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं जितना कम हो सके उतना हो, यानी पानी को तो बाहर नहीं निकाल पाना है इसका मतलब, क्योंकि पानी तो मिलती नहीं है मरुस्थल में, इसीलिए उनके पौधों की भी शारीरिक संरचना कुछ ऐसे होती है। जो भी पेड़ पौधे हैं वो कांटानुमा ही होते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अब आपको जान लेना है कि आखिर ऊंट के अलावा और क्या आप मिलते हैं। ऊंट के अलावा यहाँ पर आप देखोगे सांप भी होते हैं बहुत सारे जगहों पर, चूहे भी होते हैं, वो गड्ढे पे रहते हैं काफी नीचे, ठीक है ना, जिस तरह आप पिक्चर्स में भी देख पा रहे हो मरुस्थली जंतु हैं, सांप हैं, कुछ चूहे हैं जो बालू से काफी नीचे अवस्थित हैं गड्ढों पर, ठीक है ना, वो रात में निकलते हैं। नेक्स्ट हमें जान लेना है पर्वतीय क्षेत्र में जो होती है वो क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स पर्वतीय क्षेत्र वह स्थान है जो अपने आसपास के इलाकों से काफी ऊंचा होता है, उसे हम लोग पर्वतीय क्षेत्र कहते हैं। पर्वतीय क्षेत्र जो है उसमें काफी प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं, काफी कलरफुल होता है, काफी जो है रंगीन वाला वो जगह होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से वहां पर जो पाए जाने वाले जो जंतु होते हैं वह भी असाधारण ही होते हैं, वह काफी तेज दौड़ सकते हैं, वो खुर होते हैं, बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो खुर के कारण वह पहाड़ों पर आसानी से चढ़ पाते हैं, ठीक है ना। आप जानते हो पर्वतों पर ज्यादातर जो है विशेष प्रकार से जो जानवर होते हैं वो विकसित होते हैं, पर्वतों के इलाके के अनुकूल के हिसाब से ही वहां पर जानवरों का विकास होता है, ठीक है ना। ऐसे जानवर जो पर्वतीय क्षेत्र में रह पाते हैं, इसे आपको समझना है, और बहुत ऐसे पर्वतीय क्षेत्र हैं जहां पर क्या होता है पेड़ पौधों की अपेक्षा जो है वो बर्फ होती है। तो बर्फ में कैसे दिखेंगे, जैसे पर्वतीय क्षेत्र में रंग बिरंगी होते हैं ना जैसे मैंने कहा, तो वहां पर ऐसे जानवर मिलेंगे जो पर्वत से बिल्कुल सेम हो जाते हैं, ठीक है ना, जंगलों से बिल्कुल उनका रंग का जो शरीर का जो आकार है बिल्कुल एक सा बन जाता है और जो जानवर है उन्हें नहीं पहचान पाते हैं। जैसे पर्वतीय क्षेत्र में बहुत ऐसे सांप होते हैं जिनका कलर होता है हरा रंग का, ठीक है ना, इसे भी आपको समझना है। और पर्वतीय क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पर काफी बर्फ भी गिरती है, ऐसे पर्वतीय क्षेत्र भी कहलाते हैं। वहां पर बर्फ के कारण क्या होता है पहाड़ों का पर्वतों का जो रंग होता है वो व्हाइट हो जाता है, व्हाइट सफेद हो जाता है, जिनके कारण से वहां पर जो जानवर जो विकसित होता है जो अनुकूलन के हिसाब से वो जो बड़े होते हैं वहां पर व्हाइट कलर के आप देखोगे भालू
उनका विकास होता है, या फिर ऐसे व्हाइट कलर के, आप देखो कि बहुत सारे ऐसे चीते हैं जो व्हाइट होते हैं, ठीक है ना, शेर है जो व्हाइट कलर का होता है, वो ठंडे वाले प्लेसेस में होते हैं, ठीक है ना। व्हाइट कलर का फर क्यों होता है, क्योंकि वो जो है बिल्कुल बर्फ से उनका शरीर जो है मैच हो जाता है, ताकि शिकार को वो आसानी से पकड़ पाए, क्योंकि इन सभी को जीवित रहना है। अनुकूलन, जैसा मैंने कहा, वह प्रक्रिया है जहां पर जीवधारी जो है खुद को उस तरह से योग्य बनाती है कि वो वहां से वहां पर वो जीवित रह सके, ठीक है ना, इसे आपको समझना है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, और जान लेंगे कि आखिर घास स्थल जो है वो आखिर क्या होता है। जैसा आप सभी जानते हो, घास स्थल वह स्थल है जहां घासों से ढका हुआ स्थल होता है, घासों से भरा हुआ इलाका होता है, वह स्थल कहलाता है घास स्थल, ठीक है ना। यहां पर होता क्या है, जो पेड़ है लंबे लंबे, वो काफी कम मात्रा में पाए जाते हैं, याद रखना है आपको, पेड़ काफी कम होते हैं, घास जो है काफी लंबी लंबी होती है। अब घास स्थल में भी जो है वो जीवधारी प्राणी रहते हैं, इसे भी आपको जानना है। तो घास स्थल में होता क्या है, जैसे हरिण जो है, आप सभी जानते हो घास स्थल में शेर और हरिण रहते हैं, ठीक है, क्यों रह रहे हैं, जो आखिर घास स्थल में हरिण आसानी से छुप सकता है, ठीक है ना, घासों के बीचों में, और वहीं पर ये उनको बचा रहा है, किनको, हरिण को, ताकि जो शेर है उनको नहीं देख पाए। अब है अनुकूलन, उनके बॉडी का कैसा होता है हिरण के, कि वो तेज भाग सके, किसके तुलना में, शेरों की तुलना में, बाघों की तुलना में, चीतों की तुलना में। इसीलिए आप देखोगे कि बहुत सारे टाइम कि जो चीते हैं बाघ हैं वो काफी पकड़ने की कोशिश करते हैं हिरणों को, ठीक है ना, वो घास वाले स्थान में रहते हैं, और जो शेर है वह भी उन्हें पकड़ने की पूरी कोशिश करता है। यह अनुकूलन के कारण हो पाया है, अनुकूलन के कारण ही ऐसा संभव हो पा रहा है कि हिरण जो है उनके भी जो पैर होते हैं काफी लंबे होते हैं, काफी तेज वो भाग पाते हैं, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको घास स्थलों के बारे में बताया, हर वो जगह, विशिष्ट जगह, चाहे घास स्थल हो, पर्वतीय क्षेत्र हो या फिर मरुस्थल हो, सभी जगहों पर शारीरिक संरचनाएं जो है वो जानवरों के अलग अलग होते हैं, ताकि वो वहां पर आसानी से रह पाए, एग्जिस्ट कर पाए, उनका अस्तित्व जो है वो बचा रह पाए, ठीक है ना। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स, ये जो विशेषताएं होती है, वो सभी में स्पेशल कुछ होती है, विशिष्ट होती है। जैसे मैंने कहा कि जो हरिण है वो काफी तेज दौड़ पाती है, जो भी शिकार, जो शिकारी होते हैं उनसे बचने के लिए। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हमें समझना है कि आखिर ये शिकार और इस शिकारी शब्द का आखिर क्या मतलब है। तो फ्रेंड्स, शिकार वह जीव होते हैं जो किसी अन्य जीवधारियों द्वारा मार दिए जाते हैं, वह कहलाता है शिकार, ठीक है ना, आपको समझना है। और शिकारी वह जीवधारी होते हैं जो किसी अन्य जीवधारियों का शिकार करते हैं, ठीक है ना, उसे हम लोग कह रहे हैं शिकारी। तो आपको ध्यान देना है कि यहां पर इस तस्वीर में, कि यहां पर शिकार कौन है और कौन होता है शिकारी, याद रखना है। ये जो हरिण है ना, इसे हम लोग कहेंगे शिकार, ठीक है, ये किसका शिकार है, तो यह इस लायन का, इस शेर का शिकार है, किसका शिकार है, इस लायन और शेर का शिकार है, ठीक है, ये हरिण। और शिकारी कौन है, यानी जो कौन मार रहा है, तो शिकारी है यह शेर, आपको समझना है, यह शेर जो शिकारी है और जो शिकार होने वाला है वह है वह हरिण, ठीक है ना। लेकिन आपको समझना यह है कि हर परिस्थिति में, हर तंत्र में, हर सिस्टम्स में दोनों के ही पास एक ऐसी कैपेबिलिटीज होती हैं कि वो आसानी से सरवाइव कर पाए। बहुत ऐसा समय आता है जहां पर हरिण भाग जाते हैं और शेर और बाघ जो है उन्हें नहीं पकड़ पाते हैं। अब बहुत ऐसा भी समय आता है जब जो है हरिन भाग नहीं पाते हैं और शेर जो है उन्हें मारकर खा जाते हैं, इसे आपको भी समझना है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग कुछ बातें जान लेते हैं, कुछ जलीय आवास के बारे में। जैसा आप सभी जानते हैं, समुद्र में जो मछलियां रहती हैं वह उनके अनुकूल होती है, और हमने लास्ट के चैप्टर्स में ही पढ़े, उनके पास काफी सारे 7 टाइप्स के फिन्स होते हैं, जहां से वह आसानी से वह रह पाती है। उनका शरीर का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, इनके बारे में भी हमने लास्ट के चैप्टर्स में पढ़ा, ठीक है ना।
तो किस तरह से उनका गिल्स जो है वो वर्क करता है, गिल्स जो है स्पेशली बना होता है मछलियों का सिर्फ पानी से ऑक्सीजन को अवशोषित करने के लिए, ठीक है ना। अगर उन्हें आप बाहर रख दो मछली को, तो वो जो है वो पानी से अगर जैसे ही बाहर रख देते तो वो नहीं बच पाएंगे, वो मर जाएंगी, क्योंकि उनका जो गिल्स है वो तो वर्क ही नहीं करेगा, वो काम ही नहीं करेगा, क्योंकि उनका जो गिल्स, जैसा मैंने कहा, एक विशिष्ट संरचनाएं होती हैं जो पानी में घुलित जो ऑक्सीजन है उनसे वो बाहर ऑक्सीजन को निकाल लेती है, वो सर्वाइव कर पाती है, वो जीवित रहती है, ठीक है ना। तो एक अलग शायद उनके शरीर का संरचनाएं होती है। अगर उसी तरह हम बात करें डॉल्फिन के बारे में, ठीक है ना, तो डॉल्फिन भी, उनमें गिल्स तो मौजूद नहीं होता है, लेकिन वो फिर कैसे सांस लेती हैं, कैसे वो जीवित रह पाती हैं, तो उनमें वात छिद्र होता है। वात छिद्र कहने का तात्पर्य यह है कि उनमें ऑक्सीजन्स को लेने की, ग्रहण करने की एक ऐसा क्षमता होती है जिसे आप कह सकते हो, जिस तरह हमारे पास है नोस्ट्रिल्स जो है ना, हमारे पास नासा छिद्र है, नासा द्वार है, उसी प्रकार वह वात छिद्र होता है, जिसके स्थान से वह स्थान है जहां से वह आराम से ऑक्सीजन ग्रहण कर पाए, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग जान लेंगे सजीवों की विशेषताओं के बारे में, वो भी संक्षेप में समझने की आपको कोशिश करने हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जैसा आप सभी जानते हैं, सजीव जिनमें जीवन होती है, ठीक है ना, वो होते हैं, जो जीवित होते हैं वो कहलाते हैं सजीव। तो उनके जीवन की कुछ विशेषताएं होती हैं, ठीक है ना। क्या है वो विशेषताएं? तो वो विशेषताएं हैं वृद्धि करना, वो विशेषताएं विकास करना, भोजन का ग्रहण करना, इसके अलावा आप कह सकते हैं श्वसन करना, इसके अलावा आप बोल सकते हैं उद्दीपन पर प्रतिक्रिया करना। ये हैं किसी सजीव की विशेषताएं। अगर ये विशेषता किसी भी निर्जीव में अगर दो एक विशेषताएं अगर दिखाई देती हैं, तो क्या हम उसे सजीव कहेंगे? इसका उत्तर होगा नहीं। जैसा आप सभी जानते हैं, बादल भी गति करते हैं, क्या वो सजीव है? सूर्य भी प्रतिदिन पूरब से उगकर पश्चिम में डूब जाता है, तो क्या वो सजीव है? इसका उत्तर होगा नहीं। चंद्रमा भी, वह भी गति करती है, उनके भी आकार में परिवर्तन होता है, तो क्या वो सजीव है? इसका उत्तर होगा नहीं। बस, कार, वाहन एक जगह से दूसरे जगह में मूव करते हैं, क्या वो सजीव कहलाएंगे? इसका उत्तर होगा नहीं। जैसा मैंने कहा, सजीवों के जीवन की कुछ विशिष्ट बातें होती हैं, कुछ विशेषताएं होती हैं, कुछ गुण होते हैं। चलिए वो गुण के बारे में हम जान लेते हैं। जैसा आप सभी देख पा रहे हैं, सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकताएं होती है, यह सजीवों का सबसे पहला गुण है। जितने भी सारे जीवधारी जो सजीव हैं, ठीक है ना, याद रखना है, जीवधारी जिसमें जीवन होते हैं, जो जीवन को धारण किए हुए रहते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं जीवधारी, ठीक है ना। तो जितने भी सारे जीवधारी हैं उन सभी को भोजन की आवश्यकता हो रही है। जैसा आपने कुछ देर पहले भी पढ़ा, जो शेर हैं वे भी एक जीवधारी हैं, उन्हें भी भोजन की आवश्यकता पड़ रही है, ठीक है ना, उन्हें भी भूख लगती है। तो जितने भी सारे जीवधारी हैं उन सभी को भूख लगती है, उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स, क्या होता है इस भोजन शब्द का मतलब, चलिए जानते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा आप सभी जानते हैं, भोजन एक पौष्टिक आहार है जिसे जीवधारी अपने जीवन को बनाए रखने के लिए और वृद्धि और विकास के लिए ग्रहण करते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं भोजन, उस पदार्थ को भोजन कहते हैं, ठीक है ना। यह जीवधारी के लिए अत्यंत आवश्यक है। अगर किसी भी जीवधारी को अगर अस्तित्व का अगर उसको बचाना है, तो भोजन की आवश्यकता पड़ती है। अब हम लोग जान लेंगे एक और विशेषताएं के बारे में, वह है कि सभी जीवधारियों में वृद्धि होती है, ठीक है ना। आप सभी जानते हैं, जितने भी जीवधारी होते हैं वो छोटे से धीरे धीरे बड़े होते रहते हैं, चाहे वो मनुष्य ही क्यों ना हो। हम सभी कुछ दिन पहले तक 3 में पढ़ते थे, 4 में पढ़ते थे, आज 6 में आ चुके हैं, ठीक है ना, यानी हमारा वृद्धि हो रहा है। आप सभी जानते हैं, जो भी जितने भी जीवधारी हैं उन सभी के संतान होते हैं, और धीरे धीरे वो बढ़ते रहते हैं। पेड़ पौधों को भी आपने देखा होगा, वो धीरे धीरे बढ़ते ही रहते हैं। बीजों का भी अंकुरण के बारे में आपने देखा कि बीज भी अंकुरित होते हैं और धीरे धीरे वो पेड़ पौधे का रूप ले लेते हैं,
यह होता है वृद्धि। तो फ्रेंड्स वृद्धि शब्द का क्या मतलब होता है, चलिए उसे समझने की कोशिश करते हैं। वृद्धि वह प्रक्रिया है जिसके कारण से किसी भी जीवधारियों में, उनके आकार में, उनके उम्र में एक विकास होता है, उसे हम लोग कहते हैं वृद्धि। ठीक है ना, जैसा मैंने कहा कुछ देर पहले कि वृद्धि सभी जीवधारियों में, सभी सजीवों में परिलक्षित होती है। परिलक्षित शब्द का मतलब होता है दिखाई देती है, या सभी सजीवों में वृद्धि जो है वो दिखाई देती है। यह भी एक सजीवों की विशेषताएं हैं, इसे भी आपको याद रखनी है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट आपको जान लेना है कि सजीवों की एक और विशेषताओं के बारे में, वह है सभी सजीव श्वसन करते हैं। तो फ्रेंड्स ये श्वसन कौन सी प्रक्रिया है, श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें सजीव ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को त्याग करते हैं, वह प्रक्रिया कहलाती है श्वसन। यह सभी सजीव करते हैं, मनुष्य भी करते हैं, पेड़ पौधे भी करते हैं, जितने भी प्रकार के जीवधारी हैं वो सभी श्वसन करते हैं। ठीक है ना, इसे भी आपको समझना है, यह सजीवों की विशेषताओं में से एक विशेषता है कि सभी सजीव ये श्वसन करते हैं। याद रखना है पेड़ पौधे भी करते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि आप सभी जानते हो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन का त्याग करते हैं। लेकिन यह बात भी आपको जान लेनी है फ्रेंड्स कि ये जो पेड़ पौधे हैं ना वो भी ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, ये बात भी आपको जान लेनी है। ठीक है ना, नेक्स्ट हम लोग जान लेंगे फ्रेंड्स एक और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, वो भी सजीवों के, वो क्या है। जैसे सभी सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं, जैसा आप सभी जानते हैं जितने भी जीवधारी है ना, अगर ह्यूमन की ही बात कहें, अगर हमारे अगर कानों के पास अगर बहुत ही तेजी से अगर चिल्लाई जाए, अगर चीखा जाए, तो देखना कि हम लोग एक रिएक्ट करते हैं, हम लोग एक प्रतिक्रिया करते हैं। ठीक है ना, वो प्रतिक्रिया ही सजीवों के विशेषताओं में से एक विशेषता है। अगर हमारे आंखों के सामने काफी सारी लाइटें आ जाए तो हमारा जो आंख है वो बचने की कोशिश करता है। ठीक है ना, ये ही कहलाता है उद्दीपन। अगर हमारे पैरों पर, अगर हमारे त्वचा पर अगर कांटों का चुभ जाना या फिर किसी भी धारदार चीजों से कट जाना, तो हम हमारा अचानक से क्या होता है, जो पूरा जो कंसंट्रेशन है वह उस जगह पर केंद्रित हो जाता है जहां पर कांटा चुभा है या फिर जिस स्थान पर क्षति हुई है, जो स्थान कट गया है, यह कहलाता है उद्दीपन। उद्दीपन वह प्रक्रिया है जिसमें पेड़ और पौधे या सजीव जो है अचानक हुए वातावरण में जो परिवर्तन हुए है ना, अचानक वातावरण में हुए परिवर्तन के अनुसार प्रतिक्रिया करते हैं, उसे ही हम लोग उद्दीपन कहते हैं। याद रखना है, ठीक है ना, यह अचानक हुए परिवर्तन है। जैसे उदाहरण के रूप में, अचानक अगर सूर्य का प्रकाश, बहुत दिन से ऐसे आदमी है जिसे अंधेरे में रखा गया है और सूर्य के प्रकाश में अगर उसे लाया जा रहा है तो भी वो रिएक्ट करती है, इसे भी आपको समझना है। इसीलिए अंधेरे में जब भी अगर सूर्य की प्रकाश होगी तो आप देखोगे कि बहुत समय जो पौधे हैं वो सूर्य के प्रकाश की तरफ अपने तनों को ले जाती है। ठीक है ना, यह बात भी आपको समझना है, यह उद्दीपन का एक उदाहरण है और यह उद्दीपन सजीवों की विशेषताओं को बताता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब हम लोग बात कर लेंगे सजीवों के एक और विशेषताओं के बारे में, वह विशेषता है सजीवों में उत्सर्जन। आप सभी जानते हैं सभी जो सजीव है ना वो उत्सर्जन की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। तो फ्रेंड्स क्या होता है ये उत्सर्जन की प्रक्रिया, चलिए उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स उत्सर्जन वह प्रक्रिया है जिसमें सजीव अपने शरीर में उपस्थित जो भी अपशिष्ट पदार्थ, वज्र पदार्थ या फिर उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकलते हैं, उसे हम उत्सर्जन की प्रक्रिया कहते हैं। तो उत्सर्जन की प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें सजीव जो है अपशिष्ट पदार्थों को अपने शरीर से बाहर निकालते हैं। ठीक है ना, यह सभी सजीवों में होती है, ये पेड़ पौधों में भी होती है, यह मनुष्यों में भी होती है, ये जानवरों में भी पूरी होती है। यह प्रक्रिया जो है ये सजीवों में
एक विशेषताओं के रूप में इसे देखा जाता है, और जितने भी सारे जीवधारी हैं वो उत्सर्जन की प्रक्रिया को पूरा करते हैं, ठीक है ना। ये उत्सर्जन की प्रक्रिया क्यों होती है? यह इसलिए होती है क्योंकि जो भोजन जो यूज किए जाते हैं, जो व्यवहार किए जाते हैं सभी सजीवों के द्वारा, उन्हीं भोजनों से एक अवशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है, जो अब किसी भी प्रयोग में या फिर किसी भी योग में अब शरीर में अब नहीं लाए जाते हैं, ठीक है ना। वह किसी प्रयोग में अब नहीं लाए जाते हैं सजीवों द्वारा, तो वह पदार्थ जो अवशिष्ट हो जाते हैं, वज्र पदार्थ हो जाते हैं, जिनका कोई भी उपयोग नहीं होता है शरीरों में, अवशिष्ट पदार्थ कहलाते हैं, और उन्हीं अवशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है ना। फ्रेंड्स, अब हम लोग जान लेंगे सजीवों के एक और विशेषताओं के बारे में। वह विशेषताएं हैं कि आखिर सभी सजीव प्रजनन की क्रिया को पूरा करते हैं। आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स, जितने भी सजीव है ना, वे सभी प्रजनन करते हैं और इसी प्रक्रिया को पूरा करते हैं, अपने वंश को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, क्या होता है प्रजनन की प्रक्रिया, चलिए समझते हैं। प्रजनन वह प्रक्रिया है जिसमें जीवधारी अपने ही जैसे बच्चों या फिर संतान को ये पैदा करते हैं, ठीक है ना। उसे हम लोग कहते हैं प्रजनन की प्रक्रिया। जैसा आप सभी जानते हैं, जो मछलियां हैं, ठीक है ना, वो भी प्रजनन की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। छोटी छोटी मछलियों का जन्म होता है, जो भी जीवधारी, जो भी गाय हैं, गाय के बछड़े, गाय से हमें गाय के बछड़े मिलते हैं, ठीक है ना, और कुत्तों से हमें उनके बच्चे मिलते हैं। पौधों का भी प्रजनन होता है और छोटे पौधे या फिर अंकुरित हुए पौधे हमें मिलते हैं, ठीक है ना। इन्हें आपको समझना है, सभी सजीव जिसमें जीवन होती है, जिसमें जान होती है, वो सभी सजीव इस प्रक्रिया को पूरा करते हैं, और हम मनुष्य भी इस प्रक्रिया को पूरा करते हैं। मनुष्य के हाथों पर आप देख पा रहे पिक्चर्स में, एक औरत के हाथों पर एक बच्चा है, उन्हीं के जैसा दिखता, मनुष्य के जैसा दिखता हुआ एक बच्चा, एक संतान, ठीक है ना। तो यह प्रक्रिया जो है प्रजनन की प्रक्रिया के द्वारा ही पूरी होती है, और यह सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है किसी भी सजीवों में जो दिखाई देती है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे और जान लेंगे इस चैप्टर से जुड़े क्वेश्चंस और आंसर्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग देख ले रहे हैं आखिर प्रश्न नंबर 1 में हमसे क्या पूछे गए हैं। जैसा आप सभी देख पा रहे हो, प्रश्न नंबर 1, आवास किसे कहते हैं, किसे हम आवास कहते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। जैसा मैंने आपको वीडियोस में भी कहा कि आवास शब्द का मतलब होता है निवास स्थान, जहां पर जीवधारी जो है वो रहते हैं, उसे हम लोग आवास कहते हैं। और ये आवास जो होते हैं, ये दो तरह के जनरली होते हैं। एक होता है प्राकृतिक रूप से बनाए जाने वाले, ठीक है ना, नेचुरल, और एक होता है मैनमेड, जिस आवास स्थान पर जो है वन्य प्राणी जो है वो रहते हैं, जैसे चिड़ियाघर आप कह सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, देख ले रहे हैं इस क्वेश्चन का आंसर्स हमें कैसे लिखना है। किसी स्थान का परिवेश जिसमें पौधे, जंतु एवं अन्य जीव रहते हैं, उनका आवास कहलाता है। ध्यान से समझना है फ्रेंड्स, किसी स्थान का परिवेश जिसमें प्लांट्स, जिसमें पौधे, जिसमें एनिमल्स, जिसमें जंतु और जिसमें अन्य ऑर्गेनिजम्स जो है, अन्य जीव जो है वो रहते हैं एक साथ, उनका आवास स्थान कहलाता है। अब हमें आगे लिखना है कि आवास का अर्थ है एक निवास स्थान, एक घर, ठीक है ना। आवास शब्द का मतलब होता है निवास स्थान, एक घर, जैसा मैंने आपको वीडियोस में भी बताया, ठीक है ना। नेक्स्ट आपको आगे लिखना है कि जीव अपने भोजन, अपने पानी, हवा, आश्रय और अन्य जरूरतों के लिए अपने आवास पर निर्भर करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा आप सभी जानते हैं कि जो प्राणी हैं, जो जीवधारी हैं, वो आवास में क्यों रहते हैं, आवास में, क्योंकि वहां से उन्हें भोजन भी मिलते हैं, पानी भी मिलती है, हवा मिल रही है, आश्रय मिलती है, और जितने भी प्रकार की उनकी जरूरतें हैं वो उस आवास स्थान से पूरी होती है, ठीक है ना। कई प्रकार के पौधे और जानवर समान आवास साझा करते हैं। साझा शब्द का मतलब होता है इसमें एक साथ रहते हैं, ठीक है ना।
जैसे कई प्रकार के पौधे हैं, कई प्रकार के जानवर हैं, वो एक ही आवास में वो रहते हैं, ठीक है ना, जिसको हम लोग कहते हैं शेयर करना, ठीक है ना, एक ही आवास में रहते हैं और पौधे भी रहते हैं, कई प्रकार के जानवर भी एक ही आवास में, वो जो एनवायरमेंट है, वो जो घर है, वो उसमें शेयर करके रहते हैं, ठीक है ना, इसे भी आपको लिखनी है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स और देख लेंगे कि आखिर प्रश्न नंबर 2 में हमसे क्या पूछे गए हैं। आप देख पा रहे हो प्रश्न नंबर 2, कैक्टस मरुस्थल में जीवन यापन के लिए किस प्रकार अनुकूलित है, ये आपसे पूछा गया कि किस प्रकार से कैक्टस जो है वो मरुस्थल में जीवन यापन कर पाते हैं, ठीक है ना, यानी आपको इस प्रश्न के उत्तर में आपको यह लिखनी है कि कैक्टस का जो विशेषताएं हैं, उनके शारीरिक जो गठन है उस पौधे की, उसके ही बारे में आपको बतानी है कि वो कैसे संभव हो पा रहा है कि जहां मरुस्थल में किसी अन्य प्रकार का पौधा सरवाइव नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना, वहां वहीं पर ये कैक्टस किस प्रकार से जो है वहां पर जीवन यापन कर ले रहे हैं, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स चलिए देख ले रहे हैं इस क्वेश्चन का आंसर हमें किस प्रकार से लिखना है। आप देख पा रहे हो कैक्टस की पत्तियां या तो अनुपस्थित होती हैं या कांटों का रूप ले लेती हैं, जैसा मैंने आपको वीडियोस में भी बताया कि कैक्टस जो होते हैं उनका जो तना होता है ना, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न करता है, ठीक है ना, और प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, जैसा आपने लास्ट के चैप्टर्स में भी पढ़े थे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है होती है वो किसी भी प्रकार के पौधों में उसकी पत्तियों पर होती है, तो यहां पर कैक्टस के तने पर होती है, ठीक है ना। तो कैक्टस की पत्तियां या तो अनुपस्थित होती है या कांटों का रूप ले लेती है। सबसे पहला आपको सेंटेंस ही वाक्य ही इसी प्रकार से लिखना है, उसके बाद आप लिखोगे इससे इन पत्तियों से होने वाले वाष्पोत्सर्जन में होने वाली जल ह्रास में कमी आ जाती है, ठीक है ना, आपको ऐसे लिखना है। जो जैसे ही जो पत्तियां होती हैं, जैसा मैंने आपको कुछ देर पहले कहा कि पत्तियों में जो होती है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, और पत्तियों में स्थित जो स्टोमेटा होते हैं ना, वहां से क्या होता है, जो वाष्प होते हैं, ठीक है ना, पानी जब वाष्प के रूप में बाहर निकलती है तो वो पत्तियों में स्थित स्टोमेटा से ही बाहर निकलती है। अब पत्तियां ही अगर नहीं रहेंगी तो आप सोचो जो उस प्रकार के पौधों में कैसे होंगे वाष्पोत्सर्जन, ठीक है ना, तो उस प्रकार की पत्तियों जो है वो रूप ले लेती है कांटों का, इससे क्या होता है, जो वाटर वेपर है ना, जो जल वाष्प होती है वो उनकी मात्रा जो है वो काफी कम हो जाती है, क्योंकि मरुस्थल में अगर ज्यादा जल वाष्प निकल जाएंगे तो फिर उन पौधों के लिए सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए ऐसे पौधों के पत्तियों जो होती है वो कांटों का रूप ले लेती है, या फिर अन्यथा आप ऐसा देख पाओगे कि ऐसे पौधों में कांटे जो होते हैं वो होते ही नहीं है, यानी पत्तियां जो है वो होती ही नहीं है, ठीक है ना, ऐसे आप देख पाओगे। नेक्स्ट हमें आगे लिखना है कि इसकी तना पत्ती जैसी संरचना में परिवर्तित हो जाती है, जैसा मैंने आपको कुछ देर पहले कहा कि ऐसे पौधों के जो तने होते हैं ना वो प्रकाश संश्लेषण का क्रिया को अब संपन्न करेंगे, ठीक है ना, आपको ये समझना है, और इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण आमतौर पर तनों द्वारा किया जाता है, जैसा मैंने आपको कुछ देर पहले ही कहा, क्योंकि पत्तियां जो होती है वो कांटों का रूप ले लेती है, ठीक है ना, इसे आपको समझना है, और कांटों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया तो काफी ना के बराबर ही हो सकती है, क्योंकि वहां से पानी जो है निकलने की जो मात्रा है वो काफी कम हो जाती है पत्तियों की तुलना में, इसे आपको समझना है, अगर पत्तियां होती तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया की दर जो है काफी फास्ट होती, काफी तेज होती, ठीक है ना। तना मोटी मोम जैसी परत से ढका होता है, ध्यान से समझना है, जो तना होते हैं उसके कैक्टस के जो तना होते हैं ना, ऐसे पौधे के जो तना होते हैं वो मोटी मोम जैसी परत से ढकी होती है, जो पानी को बनाए रखने में मदद करती है, इसे भी आपको समझना है कि जो कैक्टस पौधों के जो तने होते हैं वो मोम से क्या होते हैं, एक लेयर्ड होते हैं, एक आवरण होते हैं उनके तना, ताकि जो पानी जो है वो जो निकल रही है यूज होने के बाद
उनके शरीर में जो भी पानी का यूज हो रहा है उसके बाद जो वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया हो रही है वो भी अब काफी कम मात्रा में बाहर निकले, क्योंकि पानी की जरूरत होती है उन्हें मरुस्थल में, अगर उन्हें जीवन यापन करनी है, अगर उन्हें जिंदा रहना है या फिर उन्हें अपने अस्तित्व को बनाए रखना है, और मरुस्थल में पानी जो है काफी कम मात्रा में मिलती है, आप सभी को पता होता है, ठीक है ना। कैक्टस के पौधों की जड़ें होती हैं जो पानी को अवशोषित करने के लिए मिट्टी में काफी गहराई तक जाती है। जैसा मैंने आपको वीडियोस में भी कहा था कि कैक्टस की जो जड़ें होती है ना वो मिट्टी में काफी नीचे तक जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि उन्हें पानी को पाना होता है, पानी की सहायता से ही तो वो जीवित रह पाएंगे ना, यही है उनके कारण। कि इसी तरह से कैक्टस पौधे के जो जड़ें हैं वो काफी दूर तक, काफी नीचे तक रेगिस्तान में भी चली जाती है। आप पिक्चर्स में भी देख पा रहे हैं, ये कैक्टस के पौधे हैं, आपको पिक्चर्स में भी दिखाया गया है, और यहाँ पर इनकी जो जड़ें हैं किसी भी कैक्टस की आप देख पाओगे, उनकी जड़ें जो हैं अंदर में, इस मिट्टी के अंदर उनकी जो जड़ें होती है काफी दूर तक पानी के लिए चली जाती हैं, यानी पानी को अवशोषित करने के लिए उनकी जड़ें काफी नीचे दूर तक बनी होती हैं, ठीक है ना। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे प्रश्न नंबर 3 में हमसे क्या पूछे गए हैं। आप देख पा रहे हैं प्रश्न नंबर 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको कुछ स्टेटमेंट्स, कुछ कथन दिए गए हैं और आपको वो कथन जो है वो ब्लैंक्स हैं, वो रिक्त हैं, उन्हें आपको पूरा करना है, ठीक है ना। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं वो कथन, वो स्टेटमेंट्स आखिर क्या है। आप देख पा रहे हैं पौधे एवं जंतुओं में पाए जाने वाले विशिष्ट लक्षण जो उन्हें आवास विशेष में रहने योग्य बनाते हैं डैश कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स आपको ध्यान से समझना है, जो पौधे होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, जो जंतु होते हैं, उनमें एक विशिष्ट प्रकार का लक्षण पाया जाता है, एक विशेष प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती है, जिसके कारण से वो क्या होता है उसी आवास के अनुसार, उसी आवास के अकॉर्डिंग वो खुद को अडेप्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो उस विशेष स्थान में रहने योग्य बनाते हैं उनका शरीर, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं एडेप्टेशंस, और हिंदी में कहते हैं अनुकूलन, ठीक है ना। अनुकूलन आपको लिखना है, यानी जो जो विशेष लक्षण होते हैं जो उन्हें आवास में रहने योग्य बनाते हैं अनुकूलन कहलाते हैं। अनुकूलन वह शब्द है जिसके आधार पर ही आप यह पता लगा सकते हैं कि वह पौधा जो है वह विशिष्ट पौधा किसी भी विशिष्ट जगह पर सर्वाइव कर पा रहा है, ठीक है ना। अब लिखोगे अनुकूलन कहलाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे, देख लेंगे नंबर 6 में हमसे क्या पूछे गए हैं। स्थल पर पाए जाने वाले पौधे एवं जंतुओं के आवास को हम क्या कहते हैं? ऐसे ऐसे पौधे, ऐसे जंतु जो स्थल पर पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? जैसा मैंने कहा स्थल शब्द का सीधा मतलब होता है मिट्टी या धरातल, तो उन्हें हम लोग क्या कह रहे हैं, जो ऐसे पौधे, ऐसे प्लांट्स, ऐसे जंतु, ऐसे एनिमल्स जो स्थल पर रहते हैं, ठीक है ना, उन्हें हम लोग कहते हैं स्थलीय, ऐसे आवास को हम लोग कह रहे हैं स्थलीय आवास। याद रखना है ऐसे पौधे, ऐसे जंतु जो स्थल में रहते हैं कहलाते हैं स्थलीय, उनके निवास स्थान कहलाते हैं स्थलीय आवास, ठीक है ना, क्योंकि वो स्थल में रह रहे हैं। तो आप लिखोगे स्थलीय आवास, ऐसे आवास को हम लोग कह रहे हैं स्थलीय आवास, यहां पर आपको स्थलीय लिखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे कि नंबर 9 में हमसे क्या पूछा गया है। वे आवास जिनमें जल में रहने वाले पौधे एवं जंतु रहते हैं ऐसे आवास स्थान को हम लोग क्या कहते हैं? तो जलीय आवास कहते हैं, जो जल में रहते हैं, जो जल में रहने वाले योग्य जो पौधे होते हैं, ठीक है ना, रहने के लिए जो पौधे, जो एनिमल्स होते हैं जो जल में रहते हैं, तो जलीय आवास हुए उनके, जो स्थल में रहते हैं उनके स्थलीय आवास हुए, ठीक है ना। मृदा, जल एवं वायु किसी आवास के डैश घटक हैं, ध्यान से समझना है। मृदा, जल एवं वायु किसी भी आवास के डैश घटक हैं, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स जैसा मैंने आपको वीडियोस में भी बताया कुछ देर पहले कि मृदा, जल एवं वायु किसी आवास के अजैव घटक होते हैं, ठीक है ना। अजैव घटक और जैव घटक दो तरह के घटक जो है किसी भी आवास के साथ संबंधित
होते हैं, ठीक है ना, और जहां पर जैव घटक सीधे रूप से संबंधित होते हैं जीवन से, ठीक है ना। वहीं दूसरी ओर देखा जाए, अजैव घटक किसी भी आवास से इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से वो जीवन से तो संबंधित होते ही हैं, लेकिन यहाँ पर मृदा, जल और वायु जो है वो अजैव घटक ही हैं। इसे भी आपको समझना है, जो लाइफ को, जो जीवन को सपोर्ट करते हैं, इसे आपको समझना है, लेकिन जिनका सीधा संबंध जीवन से नहीं होता है, इनडायरेक्टली वो यानी अप्रत्यक्ष रूप से वो जीवन से संबंधित होते हैं। आपको लिखना है अजैव घटक, ठीक है ना। और जो जैव घटक होते हैं वो क्या होते हैं, जिनका डायरेक्ट और प्रत्यक्ष रूप से संबंध होता है जीवन से, वो होते हैं जैव घटक, ठीक है। इसे आपको समझना है, इस डिफरेंस को। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे कि हमारा अगला जो प्रश्न है वो क्या है। आप देख पा रहे हो, हमारे परिवेश में होने वाले परिवर्तन जिनके प्रति हम अनुक्रिया करते हैं वो क्या कहलाते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसे आपको समझना है। और मैंने वीडियोस में भी बताया कि हमारे परिवेश में जो भी परिवर्तन, जो भी चेंजेस हो रहे हैं, जिसके अनुसार हम क्या कहते हैं, रिएक्शंस करते हैं, हम अनुक्रिया कर रहे हैं उस परिवर्तन के ही कारण, उस चेंजेस के कारण, उससे हम लोग क्या कहते हैं, उससे हम लोग कहते हैं उद्दीपन। याद रखना है आपको, उससे हम लोग उद्दीपन कहते हैं। उद्दीपन वह प्रक्रिया है जिसके कारण से मनुष्य या फिर जो जीवधारी हैं वो वातावरण में होने वाले चेंजेस के अनुसार अपना रिएक्शंस करते हैं, अनुक्रिया को कहते हैं, ठीक है ना। मैंने आपको कहा था, जैसे अचानक से आपके जो पैर है किसी कांटे में चुभ जाते हैं, तो रिएक्शंस आपका क्या होता है, वह रिएक्शंस, वह अनुक्रिया उद्दीपन कहलाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे कि आखिर प्रश्न नंबर 4 में हमसे क्या पूछे गए हैं। आप देख पा रहे हैं प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित सूची में कौन सी निर्जीव वस्तुएं हैं, ठीक है ना। कौन, आपको कुछ सूची दी गई है और आपको बताने हैं कि इनमें से कौन सा निर्जीव वस्तु है, ठीक है ना। तो चलिए देख ले रहे हैं, वो वर्ड्स क्या है, वो शब्द आखिर क्या है, हल, छत्रक, सिलाई मशीन, रेडियो, नाव, जलकुंभी, केचुआ, इनमें से कुछ तो सजीव है और कुछ निर्जीव, दोनों का एक मिक्स जो वर्ड है वो आपको दिया गया है। आपको छाट लेने हैं, आपको चूज कर ली है कि इनमें से कौन सा निर्जीव वस्तु है। आप सभी जानते हैं हल एक निर्जीव वस्तु है, सिलाई मशीन एक निर्जीव वस्तु है, और रेडियो, नाव, ये जो है निर्जीव वस्तुएं हैं, ठीक है ना। इसको आपको लिख डालनी है कि हल आपको लिखना है ऑप्शन से लेकर, और सिलाई मशीन्स, रेडियो और नाव, ठीक है ना। ये 4 वर्ड्स हैं, ये 4 शब्द हैं जो आपको दिए गए वर्ड्स में जो है वो निर्जीव वस्तुएं हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देख ले रहे हैं कि आखिर प्रश्न नंबर 5 में हमसे क्या पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 5, किसी ऐसी निर्जीव वस्तु का उदाहरण दीजिए जिसमें सजीवों के 2 लक्षण दिखाई देते हैं, ठीक है ना। आपको ऐसे किसी 2 निर्जीव वस्तुओं के उदाहरण बतानी है जिसमें से सजीवों के 2 लक्षण जो है वो दिखाई देते हैं। तो वे कौन सी निर्जीव वस्तुएं हैं और जिसमें सजीवों के 2 लक्षण हमेशा दिखाई देते हैं। तो चलिए जान लेते हैं फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के आंसर हमें क्या देना है। आप देख पा रहे हैं बस और मशीन दोनों ही गति दिखाते हैं और ऊर्जा ग्रहण करते हैं, परंतु ये निर्जीव होते हैं। आप सभी को पता है बस जो है वो भी गति करते हैं, मशीन भी गति करते हैं, ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, पावर के साथ चलते हैं। हो सकता है मशीन जो है वो इलेक्ट्रिक से चलती है, डीजल या फिर किसी भी पंप से चलती है। तो मशीन गति तो कर रही है लेकिन, और ऊर्जा को भी ग्रहण कर रही है लेकिन ये निर्जीव है। और बस भी गतिशील होती है, ठीक है ना, वह भी ईंधन के अनुसार वह भी वो चलती है, वो गति करती है लेकिन वो निर्जीव होती है। ध्यान से समझना है, बादल भी गति करती है, आपको समझना है फ्रेंड्स, ठीक है ना, लेकिन वो निर्जीव होती है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे प्रश्न नंबर 6 में हमसे क्या पूछे गए हैं। निम्न में से कौन सी निर्जीव वस्तुएं किसी समय सजीव का अंश थी। ध्यान से समझना है आपको पहले प्रश्न कि कौन सी निर्जीव वस्तुएं हैं जो पहले किसी समय सजीव का अंश थी, यानी उन्हें अभी, वो अभी तो निर्जीव हैं लेकिन वो किसी समय, किसी एक समय या फिर इनके इस कंडीशन से पहले का समय जो है वो किसी सजीव से वो रिलेट करती थी, ठीक है ना।
जैसे मक्खन, चमड़ा, मृदा, ऊन, बिजली का बल्ब, खाद्य तेल, नमक, सेब, रबड़। ये आपको कुछ शब्द दिए गए हैं और आपको सोचकर यह बात लिखनी है, समझकर पूरी तरह से लिखनी है कि कैसे इनमें से जो शब्द है वो पहले किसी सजीव का अंश थी। तो मक्खन, डेफिनेटली मक्खन जो है वो किसी सजीव का अंश थी, क्योंकि मक्खन कैसे बनते हैं, दूध से, और दूध जो है वो पहले किसी सजीव का ही अंश थी, वो हमें गाय से मिलती है, ठीक है ना। इसीलिए आपका जो उत्तर होगा वो मक्खन होगा, समझना है इस बातों को आपको। नेक्स्ट आपको लिखना है मक्खन के बाद चमड़ा भी हमें जो है वो जानवरों से मिलता है, और चमड़ा जो है जानवरों से मिलने के कारण वो तो सजीव होते हैं, इसीलिए ये जो चमड़ा जो पहले थी वो किसी सजीव का ही अंश थी। ऊन, ऊन भी आपको शीप से मिलते हैं, भेड़ से मिलते हैं, ऊंट से मिलते हैं, तो ऊन भी आपका सजीव जो है वो ऐसी वस्तुएं हैं जो पहले सजीव का अंश थी। नेक्स्ट है खाद्य तेल, जो खाने वाला तेल, चर्बी जो है वह भी जो किसी न किसी, आप बोल सकते हैं जो खाने वाला तेल, चर्बी भी आप बोल सकते हैं, या फिर वनस्पति तेल आप बोल सकते हैं, जो भी सरसों का तेल है, सरसों भी पार्ट है, एक भाग है, अंश है किसका, किसी भी पौधे का, या फिर आप बोल सकते हो खाद्य तेल में अगर चर्बी का भी आप नाम लोगे, अगर खाद्य तेल के रूप में, तो चर्बी भी किसी जानवर से ही बिलोंग्स करती है, ठीक है ना। इससे समझना है तेल ऐसे जो बहुत ऐसे अंश हैं किसी भी पौधे के जिनसे हमें तेल मिलती है, ठीक है ना। आपको समझना है सूर्यमुखी का तेल होता है या फिर सरसों का तेल होता है, बहुत सारे तेल हमें पौधों से मिलते हैं, इसीलिए खाद्य जो तेल होते हैं वो डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं किससे, किसी भी सजीव के अंश से जो कि यहाँ पर पौधा है, ठीक है ना, इसे भी आपको समझना है। सेब, सेब भी पार्ट अंश है किसका, किसी भी सजीव का, सेब के पेड़ होते हैं और पेड़ तो सजीव ही है, ठीक है ना, इसे आपको समझना है। रबड़ भी हमें मिलते हैं किसी भी हमें सजीव से ही, ठीक है ना, इसे भी आपको समझना है। तो ये जितने भी सारे वर्ड्स हैं, ये जितने भी सारे शब्द हैं, वो पहले किसी न किसी रूप में सजीव का ही अंश थी। अगर इन शब्दों को छोड़ दें तो जो मृदा होती है, मिट्टी, ठीक है ना, मिट्टी नहीं है, बिजली का बल्ब नहीं है, या फिर नमक, ये सब नहीं है, ठीक है ना, इसे आपको नहीं लिखनी है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे प्रश्न नंबर 7 में हमसे क्या पूछे गए हैं। सजीवों के विशिष्ट लक्षण सूचीबद्ध कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझना है ध्यान से। सजीवों के जो लक्षण होते हैं फ्रेंड्स, उसे आपको सूचीबद्ध करना है, उसे आपको लिस्ट वाइज लिखनी है, ठीक है ना। तो आपको लिखना है सबसे पहले सजीवों के लक्षण, ठीक है ना, उसके बाद आपको लिख डालनी है कि नंबर 1, उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है। सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, ऐसा आपने वीडियोस में भी जाना, ठीक है ना। वे श्वसन करते हैं, वो रेस्पायर करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, वे श्वसन करते हैं, सभी सजीव करते हैं और उत्सर्जित करते हैं, उत्सर्जन की क्रिया भी इनमें होती है, सभी सजीवों में होती है। अपने पर्यावरण पर प्रतिक्रिया करते हैं, ठीक है ना, अपने पर्यावरण, जैसा भी उनका पर्यावरण है, उनके अपने पर्यावरण के अनुसार, उनके अपने एनवायरमेंट के अनुसार वो प्रतिक्रिया भी, रेस्पॉन्ड भी करते हैं, यह भी आपको समझना है। और ये सभी सजीव करते हैं, प्रजनन करते हैं, ठीक है ना, और गति दिखाते हैं, बढ़ते हैं, ग्रोथ होता है, या फिर गति करते हैं, ठीक है ना, ये भी आपको लिखनी है। ये सभी सजीवों के ही लक्षण है, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे नंबर 8 में हमसे क्या पूछे गए हैं। घास के मैदानी क्षेत्र में रहने वाले जंतुओं को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए तीव्र गति क्यों आवश्यक है। पहले आपको समझना है, जो घास के मैदानी क्षेत्र में जो भी जंतु रहते हैं, उनको, उन्हें अपना अस्तित्व को अगर बनाए रखना है तो उन्हें जो है वो गति, उनकी आवश्यकता होती है, ऐसा क्यों है, ठीक है ना। और संकेत आपको दिया गया है क्या,
ताकि इस संकेत की सहायता से आप अपना उत्तर लिख पाए। संकेत यह है कि घास स्थल आवासों में छिपने के लिए वृक्षों की संख्या बहुत कम होती है। मैंने ऐसी बातें हैं जो आपको वीडियोस में भी बताई कि घास वाले जो क्षेत्र होते हैं वहां पर घास जो होते हैं काफी मात्रा में हो जाती है, वृक्ष की संख्या काफी कम होती है। घास लंबे होते हैं, याद रखना है आपको, ठीक है ना, 5-6 फीट के ही घास होते हैं, ये बात भी याद रखनी है। इस घास वाले स्थान में जो छुपने वाली जगह है ना वो जंतुओं को मिल जाती है, इसे भी आपको समझना है। और गति क्यों आवश्यक है ऐसा मैंने आपको वीडियोस में भी बताया, ताकि वो अपना जान बचा सके किसी भी ऐसे जानवर से जो उन्हें अपना शिकार कर लेंगे, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स चलिए देख ले रहे हैं कि आखिर इस क्वेश्चन का ऐसे समय कैसे लिखना है। आप देख पा रहे हैं घास के मैदान में पेड़ और छिपने के स्थान कम होते हैं, याद रखना है आपको, घास के मैदान में पेड़ और छिपने के स्थान काफी कम होते हैं, और जहां पर लंबे लंबे घास होते हैं सिर्फ वहीं पर छिपा जा सकता है, अन्यथा नहीं छिपा जा सकता है, इसे आपको समझना है, ठीक है ना। तो जानवर शिकारियों जैसे शेर बाघ भेड़िए, ठीक है ना, आदि की चपेट में होते हैं। ये बात भी आपको याद रखनी है कि जो जानवर होते हैं, ठीक है ना, जो शाकाहारी होते हैं वो क्या करते हैं, वो बचने के लिए छिपने की कोशिश करते हैं, और छिपने वाली जो जगह होती है वो नहीं के बराबर होती है, क्योंकि वहां पर घास का मैदान होता है, छिपने के स्थान काफी कम होते हैं। अब होते हैं क्या है कि अब दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ऐसे मांसाहारी जो जीव हैं वहां पर भी होते हैं, उन्हें भी अपना जीवन यापन करना होता है, ठीक है ना। तो अब है दोनों कंडीशंस दोनों तरफ से आपको दिखाए जा रहे हैं। एक तरफ आपको बताया जा रहा है मांसाहारी जीव जो है, जैसा आप देख पा रहे हैं तेंदुए जो होते हैं, बाघ होते हैं, ये प्रेजेंस होते हैं, ये उपस्थित होते हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रेजेंस होते हैं, उपस्थित होते हैं हिरण जैसे शाकाहारी जीव, ठीक है ना। अब दोनों को बचना है, ठीक है ना, अब दोनों को बचना ये है कि दोनों को सर्वाइव करनी है, दोनों को जीवन यापन करना है, ठीक है ना। अब है कि स्पीड क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों गति आवश्यक है, जैसा मैंने कहा कि केवल वे जीवित रह सकते हैं और बच सकते हैं, ठीक है ना, यदि वो तेजी से भाग सकते हैं। तो यह किनके बारे में है, यह उस हरिण के बारे में बताया जा रहा है, वह उस शाकाहारी जंतु के बारे में बताया जा रहा है जो जीवित रह सकते हैं, कैसे, केवल उन्हें भागकर अपने जीवन संकट को बचा सकते हैं वे, ठीक है ना, अगर वो तेजी से भागते हैं तो, नहीं तो अन्यथा मांसाहारी जो प्राणी है वो उन्हें क्या करेंगे, वह उन्हें अपना शिकार कर लेंगे, समझना है आपको बातों को, ठीक है ना। इसीलिए जानवरों के लिए घास के मैदानों में जीवित रहने के लिए गति महत्वपूर्ण है, जैसे हिरण जो वहां रहते हैं, ठीक है, इसे आपको समझना है। इसीलिए जो हिरण होते हैं काफी तेज भागती है, इसे भी आपको समझना है, और वह किसी भी बाघ से, किसी भी तेंदुए से, वो काफी भेड़िए से काफी तेज वह भाग सकती है, क्योंकि उसे सरवाइव करना है, उसे अपने जीवन संकट को बचाना होता है, ठीक है ना, उन्हें जीवन यापन करना होता है, इसलिए गति जो होती है उनके पास काफी होती है। तो फ्रेंड्स यह था आज का चैप्टर, और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियोज में।